ऑरेंज सिटी ब्यूटी एक्सपो में मेघा कपूर ने पेश किया खूबसूरत जलपरी का रूप। खूबसूरत प्रस्तुति को देख मंत्रमुग्ध हुए उपस्थिति। जी हां, इस मौके पर ऑरेंज सिटी ब्यूटी एक्सपो 9th एडिशन 2023 का, जिसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर ने अपने सेमिनार के माध्यम से एक ऐसा लुक प्रेजेंट किया जिसे देख सभी ने उन्हें स्टैंडिंग चक्कर बर्थडे ही बहुत अच्छा लग रहा है। मारुतकर साहब का साथ था, उज्ज्वला जी का साथ था और पूरी पब्लिक ने सपोर्ट किया। क्या बात है, थैंक यू कारा न्यूज। सिर्फ पौन घंटा और यहाँ पर हमने देखा है कि मोस्टली लोग आइडल या फिर न्यूड मेकअप करते थे, लेकिन हमने तो चाला काट के दिया है, ऐसा क्यों? देखिए, बोलते हैं ना, जमाना बदल रहा है। नई पीढ़ी के साथ अगर मैं पाँव के साथ पाँव मिला के चलूंगी तो ही इस व्यापार में टिक सकते, नहीं तो नहीं टिक सकते। कैसा फील हो रहा है? यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, बहुत प्राउड, बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है मेकअप का गिफ्ट जो है उनके प्यारे स्टूडेंट ने उन्होंने पहले ही दे दिया है। यस यस, थैंक यू सो मच मेकअप दी। और एक हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आप जो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंट है वो भी बहुत इजीली कर लेती है, वो सारी चीजें देखिए अपने, हां आप क्या कहना चाहेंगे? अपने दिमाग को कभी रुकने मत दो, उसको चलने दो, जितना चला सकते हो उसको चलाओ। सक्सेस मिलती है, टेंशन नहीं लेना, बस मेहनत करते जाओ और हिम्मत मत हारो। क्या बात है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप सोचोगे वही होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हमारे साथ मुंबई से आई कोमल सिन्हा आई है, जो आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने ममिट के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत अवतार लिया है। यहाँ पर सभी ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, तो कैसा लग रहा है कोमल? काफी अच्छा लग रहा है मुझे, एंड मैं काफी एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी, बट अभी मैं आपके सामने हूँ एंड काफी अच्छा फील हो रहा है, एंड आई होप मैं नागपुर बार बार आऊँ ऐसे काफी अच्छे शो करने के लिए। थैंक यू सो मच। रियल में आप ममिट का होंगी तो कैसा फील होगा? मुझे काफी अच्छा फील होता है, मैं तो चाहती हूँ मैं बन जाओ ममेट और काफी जल्दी बन जाओ। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा, नागपुर के लोग काफी अच्छे हैं एंड काफी सपोर्टिव है। थैंक यू सो मच, आप लोग सब यहाँ पे आए हो एंड जिन लोगों से मैं अभी तक नहीं मिली हूँ आगे भी मिलते रहूंगी। थैंक यू सो मच।